दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और बेल आइकन को दबाए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले Xiaomi Mi A1 के एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है इसका गैलरी और इसका फाइल मैनेजर। Xiaomi Mi A1 अगर आपने खरीदा है और आप यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा इस पे आपको कोई भी इनबिल्ट गैलरी या फिर कोई इनबिल्ट फाइल मैनेजर नहीं मिलता है। तो इसमें आपको अपने फोटोज देखने में या फिर अपने फाइल्स वगैरह मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिन ऐप्स को अगर आप यूज करेंगे तो आपका फोटो को मैनेज करना या फिर आपके फाइल्स वगैरह को मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये दोनों ही ऐप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, इन दोनों ऐप्स में आपको कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये दोनों ऐप्स बिल्कुल ही एड फ्री है, तो इनमें आपको कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट किए थे कि ES फाइल एक्सप्लोरर में या फिर दूसरे गैलरी ऐप्स में बहुत सारे एड्स दिखाते हैं जो बहुत ही अनोइंग है और काफ़ी परेशान करते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं दोनों ऐप के बारे में बताऊंगा, दोनों ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो दोनों ऐप्स। तो गैलरी के लिए यहाँ पर मैंने चूज़ किया है क्विक पिक ऐप। क्विक पिक एक गैलरी ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये क्विक पिक ऐप। क्विक पिक एक सिंपली गैलरी ऐप है, इसमें आपको कोई भी एड देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा वाईफाई डेटा ऑन है और यहाँ पे कोई भी एड्स नहीं दिख रहे हैं। और ये बहुत ही सिंपल सा ऐप है, यहाँ से आप चाहे तो फोल्डर्स वाइज सेव कर सकते हैं या फिर मोमेंट्स वाइज चेक कर सकते हैं अपने फोटोज़ को। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे देखना चाहते हैं फोटोज़ को। जनरली लोग फोल्डर वाइज ही देखते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ही आसान सा, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही ईजी यूज़र इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पिन जूम या फिर डबल टैप जूम आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बहुत ही ईजी और लाइट वेट ऐप है, 3 या 4 MB का कुछ ऐप होगा, इसको आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आपका फोटोज़ मैनेज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो क्विक पिक था गैलरी के लिए मेरा बेस्ट चॉइस, या फिर आप चाहे तो इसका इनबिल्ट जो फंक्शन है गूगल फोटोज़ इसको भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि गूगल फोटोज़ अभी उतना अच्छा नहीं है और इसको बहुत से लोग यूज़ करना पसंद नहीं करते। तो आप अगर एक डिफरेंट गैलरी ऐप ढूंढ रहे हैं तो आप क्विक पिक को ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और सजेशन है गैलरी ऐप के लिए जिसपे आपको कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट में वो भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों को इससे फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया गैलरी ऐप, अभी देख लेते हैं फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के लिए आप सबसे बेस्ट ES फाइल एक्सप्लोरर को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फाइल एक्सप्लोरर है, लेकिन ये थोड़ा कम्प्लेक्स भी है और इस पर आपको कभी कभी एड्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप विदाउट एड्स ऐप खोज रहे हैं तो आपके लिए मैं दूसरा ऐप ढूंढ के लाया है, उस ऐप को आप चेक कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस ऐप का नाम फाइल मैनेजर ही है। इसको अगर आप सर्च करेंगे फाइल मैनेजर के नाम से तो बहुत सारे फाइल मैनेजर आपको प्ले स्टोर में मिलेंगे। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आके इस लिंक को क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो ऐप है आप देख सकते हैं, ये ऐप बहुत ही सिंपल सा ऐप है। यहाँ पे इस ऐप का जो UI है बहुत ही सिंपल UI है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ऊपर में कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, फोटोज़, वीडियोज़, म्यूजिक वगैरह सब कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। और उसके साथ नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनल मेमोरी और SD कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। तो आप चाहे तो यहाँ से इंटरनल मेमोरी या SD कार्ड को ओपन करके आप अपना फाइल्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो कैटेगरी वाइज फोटोज़, वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। और ये भी ऐप जो है बहुत ही छोटा ऐप है, 3 से 4 MB का कुछ ऐप होगा। तो आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके फ़ोन में ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा और बहुत ही ईजीली आपको आपके फाइल्स वगैरह मैनेज करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये थे दो छोटे छोटे ऐप्स जिन ऐप की मदद से आप अपने फोटोज़ को और अपने फाइल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। Xiaomi Mi A1 में कोई इनबिल्ट गैलरी या फिर कोई फाइल मैनेजर नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप दोनों ऐप को डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए और वहाँ से आप इजीली अपने फाइल्स और फोटोज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई और सजेशन है कोई दूसरे ऐप का तो नीचे कमेंट में वो भी कमेंट कीजिए, लेकिन ध्यान में रखिए कि वो ऐप एड फ्री होना चाहिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ एड फ्री ऐप्स ही दिखाया क्योंकि एड्स बहुत से लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, बहुत अनोइंग होते हैं एड्स। तो दोस्तों उम्मीद करते हो आप लोगों को ये सोल्यूशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों से जो लोग Xiaomi Mi A1 यूज़ कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप और भी ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।